आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। बराक 8 मिसाइल के बेसिस पे बने हुए इस मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत और इसराइल ने मिलकर बनाया है, और आज अब्दुल कलाम आइलैंड से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। इस मिसाइल को एक लाइव वॉरहेड के साथ टेस्ट किया गया था। बराक 8 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक की है, और इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। भारतीय नौसेना के केस में इस मिसाइल को लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, और इसको शिप के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। वहीं भारतीय वायुसेना के केस में इस मिसाइल सिस्टम को ट्रेलर्स के ऊपर माउंट करके हाई वैल्यू टारगेट्स और एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आज जिस सिस्टम का टेस्ट किया गया था वो सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए बनाया जा रहा है, और क्योंकि पहले टेस्ट में ही इसको लाइव वॉरहेड के साथ में टेस्ट किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल सिस्टम सीधे प्रोडक्शन में जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट को लेकर। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरावने आज रेचिनला के दौरे पर थे, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रेचिनला वो जगह है जहां पर स्ट्रेटेजिक हाइट्स को भारतीय थल सेना ने कैप्चर किया था। इनफैक्ट सही तरीके से कहा जाए तो रिकैप्चर किया था, क्योंकि ये इलाका भारत का ही है। पैंगोंग सो के दक्षिण में जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी उनके ऊपर भारतीय थल सेना ने एक ऑपरेशन के तहत रिकैप्चर मिशन चलाया था, और अब इस इलाके में भारतीय थल सेना प्रमुख का जाना इस बात की तरफ पूरी तरीके से इशारे करता है कि भारतीय सेना इस इलाके में पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और दूसरी चीज, सेना प्रमुख का फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना एक बहुत ज्यादा मोराल बूस्टिंग स्टेप होता है, और इसी वजह से कहा जा सकता है कि भारतीय सेना किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस रेडार ने अपने एयर टू एयर मोड्स के ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब ये रेडार एयर टू ग्राउंड मोड की टेस्टिंग शुरू करेगा। इस रेडार की टेस्टिंग के लिए इसको एक LSP वेरिएंट तेजस पर लगाया गया था। ये एयरक्राफ्ट था LSP-2, और अब इसी एयरक्राफ्ट से इस रेडार के एयर टू ग्राउंड मोड टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार साल 2021 के अंत तक अपने प्रोडक्शन में चला जाएगा, और आने वाले समय में इस रेडार को भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट वर्टिकल लॉन्च अस्त्र को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्टिकल लॉन्च अस्त्र अपनी टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है, और आने वाले समय में इस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। वर्टिकल लॉन्च अस्त्र को भारतीय नौसेना की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करने के लिए बनाया जा रहा है। इस मिसाइल में यूज होने वाली मोटर भारतीय वायुसेना की मिसाइल से छोटी होगी, लेकिन क्योंकि यह मिसाइल सर्फेस टू एयर मिसाइल होगी, इस वजह से इसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगेगा। आने वाले समय में ये मिसाइल भारतीय नौसेना के सभी शिप्स के ऊपर इंटीग्रेट की जाएगी, जिसके बाद भारतीय नौसेना के सभी शिप्स की सर्फेस टू एयर मिसाइल का नंबर बढ़ जाएगा। अगला अपडेट आ रहा है आकाश नेक्स्ट जनरेशन को लेकर। नेक्स्ट जनरेशन सर्फेस टू एयर मिसाइल आकाश एक लिमिटेड नंबर में बनाई जा रही है, जिसका अर्थ ये है कि इस मिसाइल का टेस्ट भी जल्द से जल्द होने वाला है। वैसे इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि साल 2021 के शुरुआत में इस मिसाइल की टेस्टिंग शुरू की जाएगी, और अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से ये टाइमलाइन सही है। इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए 25 लिमिटेड सीरीज मिसाइल बनाई जा रही हैं, और मिसाइल्स के साथ साथ इन मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए कैनिस्टर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम साल 2021 के शुरुआत में टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा, और जिस तरीके की अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उससे एक बात क्लियर है कि साल 2021 भी मिसाइल डोमेन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।